हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग को पता ही है कि नवरात्रि आने वाली है, तो हम लोग को करनी है नवरात्रि की ढेर सारी तैयारी, क्योंकि मेरे यहाँ होता है 9 दिन का पाठ और पंडित जी आते हैं डेली। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा 9 दिन कुछ ज़्यादा ही भव्य रहता है, तो हमें करनी है नवरात्रि की पूजा की तैयारी। तो हमें मार्केट जाना है, हमें कुछ स्पेशल करना है इस बार। स्पेशल क्या है मैं सोच रही हूँ आप लोग को बता दूँ, बट सोचती हूँ इस ब्लॉग के लास्ट में बताऊँगी। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि हमारे घर स्पेशल कुछ होने वाला है, माता जी आने वाली हैं। इसलिए हमें करनी है ढेर सारी शॉपिंग, तो हमें निकलना है मार्केट। और मार्केट कौन जा रहा है आप लोग को बता दें, सास बहू हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो फाइनली हम पूरी रेडी हो जाएंगे, तो मार्केट निकल के आपको दिखाएंगे। और बहुत ज़्यादा मैं वीडियो शूट वगैरह मार्केट में नहीं करती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि मेरी थोड़ी आदत ही नहीं है कि क्या है कैसे क्या क्या दिखाऊँ क्या नहीं। तो इसलिए पूरी चीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट हाँ जो हो पाएगा पॉसिबल वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम लोग निकलते हैं मार्केट, फिर मार्केट निकल के आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि आज ही हमारे यहाँ पंडित जी भी आएंगे, पूजा वगैरह की तैयारी भी करनी है, साफ़ सफाई भी करनी है, बहुत सारा काम है मेरे पास। तो देखिए सब कैसे कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैं लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा क्या है कैसे। तो चलिए पहले निकलते हैं मार्केट, फिर मिलते हैं हमसे थोड़ी देर में। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। बहुत ज़्यादा धूप था, बट कोई नहीं, हमने ओला कर लिया था कि चलो आराम से पहुंच जाएंगे। तो देखिए पहले क्या क्या लेते कैसे। अभी मम्मी कह रही हैं कि कुछ पहले ये सामान ले लो फिर ये ले लो, पर देखा जाता है अभी कैसे क्या करना है। तो मार्केट निकलते हैं यार, देवी जी की पूजा है तो तैयारी धूमधाम से करनी ही है। तो फाइनली चलिए देखिए हम कहाँ जाते हैं, तो फिर आप लोग को थोड़ी देर में दिखाते हैं। ये भी अच्छी है, ये साइज़ तो बहुत बड़ी है। अच्छा, इन दोनों साइज़ में अंतर है क्या? ये वाली ना देखिए मम्मी, कौन सा आपको लेना है? वहीं तक होना चाहिए ना, फोटो दिखाएं इनको भैया को। मैरून 2-6 प्लेन। मुझे ये वाले कड़े लेना है, पर बाद में आएंगे। ये जो, हाँ, 2 कितने का बताए थे? 6.5 का पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं घर, और अब हो रही थी मंदिर सफाई की प्लानिंग की क्या कैसे करना है। तो हम और मम्मी हैं, दोनों लोग मिलके हर काम करते हैं। तो सारी मंदिर वगैरह मैंने उतार दिया था, फिर मम्मी बोली कि चलो हम पोछ दे रहे हैं, तुम अपना फटाफट मंदिर साफ़ कर लो, क्योंकि मंदिर को वो एक्चुअली पत्थर का है ना, उसको रगड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम गए, नया स्क्रैच ब्राइट वगैरह लाए मंदिर को अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि भाई पूजा पाठ तो डेली होता है, तो थोड़ा बहुत मंदिर तो होता ही है, गंदा क्या ही बोला जाए, बट हमारे यहाँ मंदिर हमेशा साफ होता रहता है। फाइनली यहाँ मैं और मम्मी कुछ मजाक कर रहे थे, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। और यहाँ पे मम्मी मंदिर की देवी लोग को पोछ होछ नहीं थी, तब तक हम मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे थे, थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह भी ले लिए भाई कि आप लोग भी देख लीजिए। फाइनली मंदिर क्लीन हो जाएगा, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने मंदिर वगैरह क्लीन कर लिया था, आप लोग भी देख सकते हैं, बिल्कुल पेपर वगैरह लगा दी थी अच्छे से। जो पेपर मैं लगाती हूँ इस बार मुझे मिला नहीं, वो दीपावली के टाइम ही मिलेगा। उसके बाद फिर मेरी मंदिर क्लीनिंग होने के बाद यहाँ पे मैंने मूर्ति वगैरह भी रख दिया, बाकी सारे मंदिर को ऊपर, देवी जी को ऊपर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि दुर्गा जी को रखना है, वही मम्मी को मैं बता रही थी कि जैसे दुर्गा जी रहेंगी कलश रखे जाएंगे तो जगह चाहिए होता है ना, इसलिए मैंने सारे फोटो को ऊपर करके यहाँ पे, उसके बाद आप लोग को दिखा सकते हैं, सारे फोटो मैंने ऊपर कर दिया। फाइनली मैंने पूरे रूम की क्लीनिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से, फ़ैन वगैरह सब कुछ कर दिया था, कोई कमी नहीं छोड़ा देवी जी को बुलाने के लिए, बाकी भगवान के ऊपर है सबकी। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, मेरा हर परिवार सुख रहे, मेरा मायका का परिवार हो चाहे ससुराल का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहीं भी एक गंदगी नहीं मिल सकती, मैंने इतनी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह की मंदिर की। रात के, आपको बता दूँ, ये मैं रात के 9 बजे तक सफाई की, उसके बाद गई खाना वगैरह बनाई खिलाई सबको, बट ये 9 बजे तक मैंने सफाई किया मंदिर में। बहुत काम हो जाता है यार सच में, पूजा पाठ घर में रहता है ना। और यहाँ आ जाने वाले थे पंडित जी भी, उनकी भी तैयारी हो रही थी, क्योंकि उनको आना था
तो वो बाद में मना कर दिए क्योंकि रात में 9 बज गया, नहीं आए तो हम लोग को लगा कि नहीं ऐसा ना हो कि आ जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से अंत में वो आए भी नहीं। कोई बात नहीं, फिर हमने साफ़ सफाई वगैरह कर ली, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आए। लेकिन आप लोग को सारी चीज़ें इसी ब्लॉग में देखने को मिली। फाइनली चलिए फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं हम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि पंडित जी हमारे यहाँ आ गए हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ तैयारी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एक दिन पहले अगर नहीं करते तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये नवग्रह बनाते हैं लक्ष्मी जी का और क्या क्या सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से पूजा पाठ कराते हैं। वाकई में लगता है कि मतलब हाँ हमारे घर 9 दिन पूजा पाठ हो रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं तो ऐसे नवग्रह वगैरह बना के बस पूजा कर देते हैं, नहीं ये बहुत सजा के मंदिर को बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। ये हमारे घर के पुरोहित पंडित जी हैं, हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो इन्हीं को बुलाया जाता है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे अब कल के ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा कि मेरे यहाँ नवरात्र की पूजा स्टार्ट हो गई है। हम दोनों सास बहू बैठ के यहाँ पे आराम से पंडित जी की बातें भी सुन रहे थे, कुछ कुछ बातें ऐसी कर रहे थे, हंसी भी आती है। बट क्या ही बोला जी, हमारे यहाँ थोड़ा सा बहुत क्लोज है, मम्मी हमारी बड़ी टेंशन में रहती हैं कि सब अच्छे से हो जाएगा ना अच्छे से, वही मैं समझा के हंस के बोली थी। हम कह रहे मम्मी आप टेंशन क्यों लेते, जब हम हैं तो कोई टेंशन नहीं। तो वही बोली कि हाँ बस यही सोचते हैं कि पंडित जी से बात करने लगी कि अब ताकत ख़त्म हो रही है। वही पंडित जी सब समझा रहे थे कि बहू है तो क्या टेंशन लेना आपको, उसी पे हम लोग की हंसी मजाक कुछ ऐसे हो रहे थे, इसलिए हमने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। तो मम्मी को मैं समझा रहे थे टेंशन नहीं लेने का, मम्मी आपकी बहू है आप परेशान ना हो। आपकी मम्मी भी पहले रहती थी, आदि आदि थी, कुछ अस्वस्थ थी उस समय। हाँ वही कैंसर जब हुआ था पंडित जी। हाँ अस्वस्थ थी उस समय। हमारे बनारस में इस बार पाठ रखा गया है, मम्मी कहीं यहाँ का पंडित जी कुछ नहीं बनाते हैं। अच्छा वही कुछ सारे थे, कहीं पता नहीं कितना के लोग पैसा लेंगे बताओ। कटोरी यहाँ देखिए इतना नीक का सजावल उजावल जाना। कलश रखते होंगे बस। अरे पंडित जी एक कलश एक वो नवग्रह बनाते हैं। मम्मी कहीं तोरे यहाँ देखे ले कितना नीचे सजावा ना पंडित जी, हम बताए जैसे कि आज पंडित जी आएंगे सब सजाएंगे बजाएंगे कहीं बनाया जाता है। हाँ कि हमारे यहाँ तो खाली वही नवग्रह बना देते हैं, कलश आके रख देंगे बस पाठ करने आएंगे भाई। अरे वो आधा घंटे में चले जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पंडित जी ने बना के रेडी कर दिया। देखिए कितना अच्छा लक्ष्मी जी को सिंदूर से बनाए, नवग्रह बनाए और भी सारी चीज़ें, शनि महाराज क्या क्या होता है उन्होंने बताया था। फाइनली बनाने के बाद ये कवर कर देते हैं क्योंकि ख़राब ना हो 9 दिन में, तो ये शेलोपिन प्लास्टिक वगैरह लगा के उसको कवर करते हैं। बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत मेहनत भी करते हैं सच में। इनके साथ साथ हमसे बहुत खुश रहते हैं क्योंकि इन्हीं के सारे बताए हुए काम मैं पहले ही रेडी कर देती हूँ। फाइनल लुक कुछ आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं मेरे मंदिर का। तो फाइनली मेरी मंदिर इस तरीके से सज के तैयार हो गई है और बाकी चीज़ें तो आप लोग को कल देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी मंदिर तैयार हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और भगवान चाहेंगे अगर ऐसे सब कुछ तरक्की रही तो नेक्स्ट ईयर हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी तो ऐसे ही हैं, नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या कैसे होता है, सब इन्हीं माता जी की ही देन है। तो चलिए फाइनल सब कुछ अब कल देखने को आप लोग को मिलेगा। चलिए फाइनली गाइस तो आप लोगों को दिखा ही देते हैं कि हम क्या क्या लेके आए हैं नवरात्र के लिए। बहुत सारे लोगों को था कि क्या लाई हैं क्या लाई हैं, तो सस्पेंस में न रख के वीडियो के लास्ट में तो आप लोगों को बता ही देना चाहिए कि हमें नवरात्र के लिए स्पेशल हमने क्या लिया है। तो चलिए सबसे पहले जो मेरी स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसा है स्पेशल आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ है जो आप लोग भी सोच रहे होगे ना कि इसमें क्या है क्या है क्या है। तो चलिए अब फाइनली आप लोग को दिखा देते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो तो कल आप लोग को दिखेगी ही। तो फाइनली गाइस देखिए हमारी दुर्गा जी कुछ ऐसी हैं, तो देख रहे हैं आप लोग को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे कल इन्हीं की तो होनी है पूजा, जो कि फाइनल लुक तो कल आप लोग को दिखेगा जब मैं इनको सजा उजा के रेडी करूंगी। अभी तो सिर्फ मैं ले आई हूँ तो आप लोग को दिखा रही हूँ। काफी सुंदर मूर्ति है जो कि थोड़ी कॉस्टली मिली है, बट कोई बात नहीं, भगवान के लिए तो इतना सब कुछ करना ही चाहिए। तो आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लग रही है, आप लोग को भी अच्छी लगेंगी क्योंकि माँ कहा जाता है भगवान तो भगवान ही होते हैं, इसमें पैसे की कोई कीमत तो नहीं होती है, बट कोई नहीं थोड़ी अपनी अपनी चॉइस भी होती है। मुझे ये बहुत सुंदर लग रही थी, एक तो इतनी अच्छी इसमें सजावट वगैरह ना कि आप लोग से क्या बताएं, देख रहे कितने अच्छे मोती वगैरह से। तो फाइनल इनको हम कल तैयार वैर करके फिर आप लोग को दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ दिखाते हैं कि मैं क्या लेके आई हूँ, साइड में कर देती हूँ क्योंकि कल इनकी होनी है पूजा तो इनके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। और मैं फाइनली ये सारी चीज़ें ले आई हूँ कल देवी जी को तैयार करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये चुनरी वगैरह है
और ये और भी सारी चुनरी लाई हूँ, कुछ और देवी लोग को भी पहनाना है तो इसलिए मैं ढेर सारी चुनरी लाई हूँ। और ये ले आई हूँ मैं विष्णु भगवान को पहनाने के लिए, तो विष्णु भगवान की भी मैं न्यू फोटो ले आई हूँ। तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं कि विष्णु भगवान की फोटो कैसी, अभी पैक ही है सब कुछ, आपके सामने ही खोल रहे हैं हम, तो आप लोग भी देख लीजिए कुछ ऐसे हैं विष्णु भगवान, उल्टा था सॉरी, तो आप लोग देख सकते हैं ये विष्णु भगवान जी हैं। कल इनको भी मैं नया नया रखूंगी बिल्कुल तैयार करके, तो सब कुछ तो फाइनल लुक आपको कल ही देखने को मिलेगा। और ये मैं ले आई हूँ देवी जी का आसन, जो कि बहुत कॉस्टली था बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं ले आई देवी जी के लिए। एंड ये है माता जी का माला वगैरह, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, बाकी ओरिजिनल फूल वगैरह के माला तो जो है वो तो कल पहनाए जाएंगे। और सारी चीज़ें मैं क्या ले आई थी, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कल सुहाग का सामान होता है गैस चढ़ाने के लिए ना, वो मैं ले आई हूँ। कल हम लोग देवी जी के हमारे यहाँ क्या होता है सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है ना, तो मैं वो सारी चीज़ें ले आई हूँ। इसमें चूड़ी लाई हूँ तो आप लोग को भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल सिंपल चूड़ी हमारे यहाँ चढ़ती है मैरून कलर की, तो मैं कुछ ऐसी चूड़ी ले आई हूँ मैरून कलर की, आप लोग भी देख सकते हैं। फाइनल सबसे स्पेशल चीज़ क्या है, अभी एक चीज़ तो स्पेशल आपने देख लिया, तो चलिए दूसरी चीज़ स्पेशल दिखाते हैं कि मैं ले आई हूँ कड़े। और ये हैं एडी के कड़े, जो आप लोग देखने के बाद कहने वाले हो, पास से भाई दिखा दीजिए सबको, तो आप लोग देख सकते हैं ये है मेरे एडी के कड़े जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉस्टली है। आप लोगों को बता दें ये मैं ले आई हूँ, वैसे मुझे मैं गई थी अपने लिए चूड़ी लेने नवरात्र का पहनने के लिए अपने लिए और मम्मी के लिए, तो मुझे ये एडी की चूड़ी बहुत सुंदर लगी, तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं ले लेते हैं, करवा चौथ में ही काम आ जाएगा, फिलहाल अभी तो करवा चौथ बहुत दिन है, देखते हैं क्या कैसे कब पहनना है मुझे। तो बहुत ही खूबसूरत चूड़ी है, आप लोग देख लीजिए इसको, और बहुत कॉस्टली है। फाइनली मैं आप लोग को इसकी प्राइस भी बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 3500 रुपये की, ये एडी की चूड़ी है, बट मुझे बहुत सुंदर लगा। आप लोगों को बता दें मुझे चूड़ी वगैरह कड़े पहनना बहुत सुंदर लगता है, मतलब मेरा एक शौक है कि मुझे कड़े वगैरह पहनने का, तो मुझे तो भाई चूड़ी वगैरह पहनना, कड़ा चाहे जितना कॉस्टली हो मुझे लगता है नहीं इसमें पैसे वेस्ट नहीं होते, मेरे सुहाग की चीज़ें ये सारी चीज़ें हमें पहननी चाहिए। तो फाइनल एक चीज़ मैं और ले आई हूँ आप लोग को दिखा देती हूँ, इसमें है सास बहू की चूड़ी जो कल पहनने के लिए है, तो आप लोग भी देख के सोचोगे कि कितनी खूबसूरत है। तो ये चूड़ी आप लोग देख सकते हैं ये मेरी है, तो फाइनल इसको ओपन करके कल हम पहनेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे कैसी लग रही है। और ये चूड़ी मम्मी की है, दोनों लोग की अलग अलग है बट कलर सेम है, आप लोग जैसे डिज़ाइन अलग अलग है, आप लोग ये सारी चीज़ें देख लीजिए। तो फाइनल लुक गाइस आपको कल देखने को मिलेगा कि हम सास बहू कैसे लगने वाले हैं, और कल हम होंगे खूब अच्छे से रेडी, क्योंकि है कल है नवरात्र तो हमें तैयार होना, और मेरा और मम्मी का 9 दिन का फास्ट रहता है, तो हमें देवी जी की पूजा में 9 दिन लीन हो जाना है। तो फाइनली सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। अब इसके बाद से आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं नवरात्रि के, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।